6-7 घंटा रेगुलर पढ़ाई करते थे हम। अब पढ़ाई में प्रिपरेशन के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें रेगुलर। पढ़ाई बीच में ब्रेक होता है तो रिदम ब्रेक हो जाता है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन कोचिंग प्रीफर करते हैं या ऑफलाइन, आप क्या करते थे ये बताइए? सेल्फ स्टडी करते थे और ऑनलाइन खान सर का क्लास पढ़ते थे। एक ही रूम में पढ़ाई करते थे और दोनों आदमी का सिलेक्शन हो गया है और बहुत खुशी। इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? एक ही साथ दोनों का सिलेक्शन। वो चाहते थे कि हम कुछ करें और करने के बाद जब उनसे मिले तो बहुत खुशी हुई। उन लोगों को सब खुश हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे नियुक्ति की। बहुत ज़रूरी चीज़ है पेमेंट चालू हो जाए, बाकी जब जाएगा तब जाएगा। तो ये भैया तो आज जा रहे हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। पटना के खान जी सर से और पटने के हैं कौटल्या जी एस प्रदीप सर का। और ये प्रैक्टिस सेट पीटी के लिए तो वही है जो हम लोग लुसेंट और स्पीडी पढ़ते हैं और करेंट मायने रखता है एसआई के लिए जो सब इंस्पेक्टर है। और मेंस के लिए हम बोलेंगे कि घटना चक्र के जो बुक है सब हिस्ट्री ज्योग्राफी और पूछी हिम्मत, बहुत लोग खुश थे। और जितना भी रिलेशन में भी जो हैं फुआ चाचा वो सब भी सब लोग बहुत खुश थे कि कुछ नाम किया अपने पापा का। इससे पहले आपका कोई घर में सर्विस वगैरह था दरोगा वगैरह के लिए? नहीं नहीं, ये फर्स्ट है आप लोगों का फैमिली में इतना बड़ा पोस्ट है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो आज हम ऐसे दो दरोगा जी लोग का इंटरव्यू लेंगे जो कि कहा जाता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा तो मेहनत करेगा। तो आज हम इन लोग से हम बात करेंगे और पूछेंगे कैसे इन लोग का जर्नी रहा, कैसे लोग यहाँ पे पहुँचे। क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में बहुत शिक्षा का अभाव है, लोग पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता, लोग पढ़ने के लिए इलाहाबाद दिल्ली जाते हैं। ये लोग घर पर रह के सेल्फ स्टडी करके कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और सभी एस्पिरेंट के पास शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना कुमार। आपका नाम? सुमित कुमार। सबसे पहले हम मुन्ना भैया से पूछेंगे, भैया पढ़ाई कैसे करते थे आप बताइए? सेल्फ स्टडी करते थे या कहीं कोचिंग करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोचिंग हम कहीं नहीं करते थे एसआई के लिए, हम लोग पहले ही से ही जनरल तैयारी करते थे और जैन कॉलेज में भी जो क्विज होता है उसमें भी हम पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी थोड़ा सा जो होता था हम लोग करते थे। आप कोचिंग कहीं नहीं करते थे? कोचिंग नहीं किए हैं और ऑनलाइन क्लास लिए थे पटना के खान जी सर से और पटने के हैं कौटल्या जी एस प्रदीप सर का। और ये प्रैक्टिस सेट वगैरह लोग पूछते हैं, तो प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस सेट वही ऑफलाइन करते थे और ऑनलाइन भी करते थे, लेकिन ऑनलाइन हम करते थे मेंस के समय। पीटी के लिए हम ऑफलाइन ही करते थे, जो प्लेटफॉर्म है ड्यूटेरिया है ये सब का हम सेट ही यूज करते थे। तो भैया का ज्वाइनिंग भी है, जाने वाले भी हैं थोड़ा भी, तो ये बताइए भैया कि जैसे लोग पढ़ते हैं तो लोग पढ़ते जाते हैं, कोई बुक सजेस्ट कर दिए कि लोग पढ़ के, मतलब बहुत लोग बुक खरीद लेता है पढ़ता है नहीं, तो ऐसा बुक जो पढ़ के आदमी उसमें सलेक्शन ले पाए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पीटी के लिए तो वही है जो हम लोग लुसेंट और स्पीडी पढ़ते हैं और करेंट मायने रखता है एसआई के लिए जो सब इंस्पेक्टर है। और मेंस के लिए हम बोलेंगे कि घटना चक्र के जो बुक है सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी है, इकोनॉमिक्स का भी है उसमें, वो में करेंट मायने नहीं रखता है मेंस में। और एक सवाल हम पूछेंगे, जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम सभी लोग, जैसे घर का रिएक्शन क्या था जब आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे कि पीटी निकाले फिर मेंस निकाले फिर सब चीज़ हो गया, तो घर वाले का रिएक्शन क्या था? घर वाले के तो इसमें पूछिए मत, बहुत लोग खुश थे। और जितना भी रिलेशन में भी जो हैं फुआ चाचा वो सब भी सब लोग बहुत खुश थे कि कुछ नाम किया अपने पापा का। इससे पहले आपका कोई घर में सर्विस वगैरह था दरोगा वगैरह के लिए? नहीं नहीं, ये फर्स्ट है आप लोगों का फैमिली में इतना बड़ा पोस्ट है। तो आपको कैसा लग रहा भैया इतने बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं, आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं? बहुत खुश हैं। 2213 इसमें हुआ है, तो भैया आपको कहाँ पोस्टिंग दिया है? पोस्टिंग मेरा छपरा में हुआ है, सारण रेंज में। और भैया के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी है, थोड़ा दिखा दीजिए। छपरा में भैया ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट भैया। और जो एस्पेरेंट हो जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा, उनके लिए कुछ दो शब्द आप बोलना चाहते हो? तो वही बोलेंगे कि अपना मेहनत करिए और सपना बहुत बड़ा देखिए, सपना देख जितना बड़ा देखते हैं उतना बड़ा ही मेहनत करिए। और सेल्फ बिलीव, मतलब अपने आप और अपने आप पर विश्वास रखिए। हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं तो एकदम सक्सेस होना जरूरी है। भैया जो भी एस्पेरेंट तैयारी कर रहे हैं दरोगा के लिए, बाकी परीक्षा उनके लिए दो शब्द बोल दीजिए आप, कुछ सिलेक्शन हो गया तो बात लोग सुनेंगे। बोलना चाहते हैं कि यही जो आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देख लें मेंस के लिए। पीटी तो पूरा उसका कोई मालूम नहीं रहता है कि कहाँ से देगा, सिलेबस नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आप देखिए और इसी में से पढ़िए, घटना चक्र का बुक फॉलो करिए बेटर है। विद्यार्थियों के लिए कुछ भैया बोलना चाहते हैं अपने शब्दों में, बोलिए। हाँ, तो वही एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि डर मुझे भी लगता था फांसला देखकर, डर मुझे भी लगता था फांसला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद भैया को, आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। तो हम सुमित भैया से पूछेंगे, आप कैसे तैयारी करते हैं अपने, कि कहाँ से पढ़ते थे ये पहले बताइए। हम यही आरा से पढ़ते थे और लाइब्रेरी में पढ़ते थे।
और मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते थे आप, तो क्या बुक प्रीफर करेंगे, कितना घंटा पढ़ते थे, ये थोड़ा अपने विद्यार्थियों को जो देख रहे हैं उनको बताइए। 6 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ाई करते थे हम। अब पढ़ाई में प्रिपरेशन के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें रेगुलर। पढ़ाई बीच में ब्रेक होता है तो रिदम ब्रेक हो जाता है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में। तो आप ऑनलाइन कोचिंग प्रीफर करते हैं या ऑफलाइन, आप क्या करते थे ये बताइए? सेल्फ स्टडी करते थे और ऑनलाइन खान सर का क्लास पढ़ते थे। और मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह के लिए? प्रैक्टिस सेट के लिए प्लेटफॉर्म है, एडिटोरिया है और एडिटोरिया का करंट पढ़ते थे। जो 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 लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं हो सकता, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बोलते हैं कि दिल्ली जाना जरूरी है, दरोगा के लिए पटना जाना जरूरी है, इलाहाबाद जाना जरूरी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि सेल्फ स्टडी से होगा कि नहीं? सक्सेस के लिए की पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी किया जाए। सेल्फ स्टडी इज द बेटर स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप कोचिंग चले जाइए, पढ़ाई कर लीजिए, मगर सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बुक कौन सा प्रीफर करेंगे, कौन सा बुक वो ले, किस बुक से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सा बुक यूज़ करें? बेसिक बुक है, लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी पढ़िए लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्राउन है, क्राउन भी पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप जैसे कि पीटी के लिए कितना घंटा टाइम देते हैं और मेंस के लिए कितना घंटा? जब पीटी आपका हो गया तो मेंस के लिए कितना घंटा टाइम देते थे? मेंस के लिए यही 8 घंटा लगभग रोज रेगुलर पढ़ाई करते थे हम लोग। हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, एक ही रूम में थे। अच्छा। हाँ, पटना में एक ही रूम में, हाँ एक ही रूम में पढ़ाई करते थे और दोनों आदमी का आज सिलेक्शन हो गया है और बहुत खुशी, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? एक ही साथ दोनों का सिलेक्शन। पहला था या दूसरा था? मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था, पहले ही में आप दरोगा बन गए। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? जिसके लिए आप मेहनत करें वो मिल जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपका ज्वाइनिंग या पीटी मेंस निकला, उस घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वाले बहुत खुश हैं, वो चाहते थे कि हम कुछ करें और करने के बाद जब उनसे मिले तो बहुत खुशी हुई उन लोगों को, सब खुश हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि घर वालों का रिएक्शन के साथ साथ दोस्त मित्र आपके होंगे, उनका क्या रिएक्शन था? जैसे एक दोस्त तो हो गए साथ में, बाकी भी जो जिनका 1-2 नंबर से रह गया है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे सक्सेस में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, उन्हीं लोग की वजह से हम यहाँ पे हैं। तो मतलब मित्र को छोड़ना नहीं चाहिए? हाँ, तो मित्र को, लड़की, अच्छे फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छे, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं मायने रखते हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो जिससे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अच्छे हो। मेरे सक्सेस में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ी बात कही भैया ने कि दोस्तों का बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग, कुछ हो जाता है तो आप नहीं ना भूलेंगे दोस्तों को? नहीं सर, कैसे आप नहीं ना भूलेंगे भैया? नहीं नहीं, कभी नहीं। दोस्त को नहीं भूलना चाहिए, दोस्त बहुत अहम कड़ी होता है आपके ज़िंदगी के, कहीं भी चले जाइएगा, लेकिन मित्र को नहीं भूलना चाहिए। तो घर वालों का रिएक्शन तो अच्छा था ही, बाकी घर वालों का हो गया। तो आप लाइब्रेरी में कितना घंटा, लाइब्रेरी में पढ़ते थे? हाँ, हम लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में 8 घंटे लगभग रेगुलर पढ़ाई करते थे। हाँ, और ये है कि हम लोग मतलब पर्व त्यौहार छुट्टी में घर नहीं जाया करते थे। हम पिछला दिसंबर में गए थे घर, और उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद घर गए हैं। तो घर वालों का रिएक्शन तो मतलब जबरदस्त। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम भी खुश हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे पढ़ें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे इग्नोर करें उसको आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में? जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, हम भी करते थे, आगे जो भी कर रहा है, सबको डिप्रेशन होता है, सबको होता है, टेंशन इस बात की होती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरे को भी नहीं पता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बट रेगुलर पढ़ाई करते रहना है आपको, कंटिन्यूटी के साथ। हाँ, मोमेंटम नहीं ब्रेक होने देना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, असफलताएँ आएंगी, असफलता तो ही ताकत देती है सफलता के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बात कहा भैया ने। और मतलब ये लोग, कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन वगैरह समाज में बहुत सारे लोग पढ़ जाते हैं अलग अलग चक्करों में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई पर ध्यान दें? पढ़ाई पे तो ध्यान देने से ही आदमी सक्सेस होगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। और दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, अपने आप। हाँ, मतलब सुनिए सबका, मगर करिए अपना, जो आपको दिल करता है वही कीजिए। आपको खुद अपने आप से आप झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं, कितना भी कुछ कर लीजिए। आप अपने से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं तो पता चल जाएगा आपको कि कहाँ हैं आप। आपके कहने का मतलब ईमानदारी से मेहनत करना है, अपने से झूठ नहीं बोल, अपने से आप झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। अपने से पूछिए कि हम कर क्या रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रहें। हाँ, एकदम फोकस रहें, गोल एकदम रहने चाहिए, रोज उसको देखते रहिए और मेहनत करते रहिए उसके साथ, देखते रहिए रोज, तो आप पंप आएगा कि करना है करना है। जाना कब है आपको और कहाँ पोस्टिंग दिया बिहार में? मेरा मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग है और 2-4 दिन में ही जाना है मेरे को भी, नियुक्ति करके हम आ गए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग हो गया है? ट्रेनिंग नहीं हो गया है, ज्वाइनिंग करके आ गए हैं। बोला गया कि 2-3 दिन में कॉल आएगा, आप तैयार रहिएगा। ट्रेनिंग कब होता है भैया? ट्रेनिंग स्टार्ट होगा लगभग जनवरी बाद, मतलब राजगीर करने के बाद। हाँ, ज्वाइनिंग करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे अभी खाली नहीं है जहाँ ट्रेनिंग हो रही है। पिछले दरोगा अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं रहे। हाँ, जस्ट उन लोगों का पीओपी होने के बाद हम लोगों का वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट। पेमेंट तो चालू हो ही गया होगा? पेमेंट चालू हो गया जिस दिन से नियुक्ति की। बहुत जरूरी चीज़ है पेमेंट चालू हो जाए, बाकी जब जाएगा तब जाएगा।
तो ये भैया तो आज जा रहे हैं, आपको कब जाना है? दो तीन दिन में मेरे को भी जाना है। दो तीन दिन में जाना है, तो जैसे कि जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम दो लाइन बोलना चाहते हैं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी के साथ आगे बढ़िए आप लोग। और ये लोग तो दरोगा बन गए हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बढ़िया बात बोला आपने भैया। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सभी के पास शेयर कीजिए। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, ये लोग भैया का तो हो गया, आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, डिस्ट्रेक्शन वगैरह में ना पढ़िए, और शेयर करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।